सूरज कुंड स्थित सरस्वती बालिका इंटर कॉलेज में प्रतिभा सम्मान समारोह और कॉलेज के कन्या भारती संगठन का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन शुक्रवार को कॉलेज परिसर में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में महापौर सीताराम जायसवाल, विशिष्ट अतिथि गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर विनोद सोलंकी, प्रोफेसर उषा श्रीवास्तव, प्रोफेसर राम अचल सिंह, प्रोफेसर राजेंद्र भारती, कॉलेज के प्रधानाचार्य सरोज तिवारी सहित कई शिक्षक और छात्राएं मौजूद रहे। समारोह के शुभारंभ अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके पश्चात अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण व पुष्प भेंट कर किया गया। समारोह के दौरान अतिथियों ने कॉलेज में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि महापौर सीताराम जायसवाल ने देश और समाज में महिलाओं के स्थान और महत्व को सबके बीच रखा। और इनका सब में है वो शिक्षित करके समाज एक परिवार को शिक्षित करता है। बच्चियां कम बहन है, बेटी है, माँ है, दादी, एक बेटी इतना बड़े परिवार का निर्वहन करती है और किसी व्यक्ति विशेष के भविष्य को बनाने में, उसको चरित्र के निर्माण करने में माताओं का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। चाहे स्वामी विवेकानंद जी हों, चाहे सुभाष चंद्र बसु हों, अच्छा जितनी भी देश की बड़ी बड़ी विभूतियाँ होती है, माँ का बहुत बड़ा सहयोग होता है। हमारी सरकार ने, हमारे जो वर्तमान में मोदी जी की सरकार है, उन्होंने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान चलाकर देश के लिए बहुत बड़ा योगदान किया। कुछ दिन पहले हम लोग देखते थे भ्रूण हत्याएं हो रही थी, बच्चियों को गर्भ में ही मार दिया जाता। एक सच्ची कहानी है जो मुझे नॉलेज में है। एक माँ थी, उसकी शादी हुई थी अच्छे परिवार में, जब ब्याह करके गई तो उसकी दो बेटियां हो गई थी। कालांतर में फिर उससे बच्चे का जन्म देना था तो उसके पति और उसके सास ने कहा, इस बार अगर बेटी होगा तो तुम्हें घर से निकाल दिया जाए। वो मां गई हॉस्पिटल में और सौभाग्य या दुर्भाग्य जो का है उससे बेटी ही पैदा हुई। पति और उसके साथ ने कहा, अब तुम घर आओगी तो बच्चे के साथ साथ तुम्हारी हत्या कर दे। उस मां ने कहा, पतिदेव आप चाहते हैं कि एक बेटी और ना हो तो मेरी हत्या आप क्यों करेंगे, मैं बेटी को स्वयं मारूंगी। वो बच्ची को लेकर घर आई और जाने का दिन था, घनघोर जाड़ा पड़ रहा था, बहुत जाड़ा था कि आदमी कांप रहे। उस माँ ने क्या किया, उसके बच्चे को बिना कपड़े के अपने आंगन में सुला दिया कि रात भर में तो बच्ची मारी जाएगी, लेकिन ईश्वर को मंजूर नहीं था। वो बेटी सवेरे उसी तरह खेलती और रोती हुई उस आंगन में मिली। माँ का हृदय पिघल गया और उस माँ ने कहा कि इस बेटी ने इतना संघर्ष किया है तो क्या मैं माँ होकर इस बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकती। और उस माँ ने उस बेटी का संरक्षण किया, पूरे समाज और परिवार से लोहा लिया और उस बेटी को पढ़ा लिखा कर आईएएस बनाया। सच्ची घटना है। तो ऐसी हमारी बेटियां हैं
बेटी अभिशाप में समाज के वरदान है। आप देखिए आज संसद में सुमित्रा महाजन जैसी व्यक्ति आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं, संसद चलाते हैं। आज यहाँ संसद बाल संसद चुना गया, इसमें प्रधानमंत्री और मंत्री बनाए गए, सदस्य बनाए गए। ये एक अच्छी ट्रेनिंग स्कूल की शुरुआत है कि बेटियां जा करके देश को संभालेंगे, यहाँ से ट्रेनिंग लेंगे, चरित्र का निर्माण होगा, कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, ये शिक्षा हमारे विद्यालय से मिल बैठे हैं, शिक्षाविद बैठे हैं, हमारे शिक्षिकाएं करती है, मैं इनको धन्यवाद दूंगा। मैं बेटियों से कहूंगा कि घरों में अपने अभिभावकों को झोला लेकर के बाजार जाने का आग्रह करें, निवेदन करें और स्वयं प्लास्टिक का प्रयोग न करें और न दूसरे को करने दें, तो हम लोग इस पर्यावरण को बचा पाएंगे और गोरखपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में आप लोगों का सहयोग मिलेगा, तो हम लोग गोरखपुर को सुंदर बनाएंगे। इधर इधर